नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक पटेल। आज के वीडियो यानी कि पार्ट फोर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इसके पहले के तीन यानी कि पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ए बी और सी इसके वीडियो नहीं देखे तो उसका ये प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर जाइए और वीडियोस देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा, ये पार्ट फोर है तो ऑब्वियसली आज के वीडियो में उन्हीं एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे जिनका नाम अल्फाबेट डी से स्टार्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डी हेवीलैंड कनाडा DHC-4 कैरीबोन प्रोपेलर एयरक्राफ्ट और 3.6 टन्स की पेलोड कैपेसिटी रखता है। इसके बाद उसके ही जैसा डी हेवीलैंड कनाडा DHC-5 बफेलो प्रोपेलर एयरक्राफ्ट और 8.2 टन्स की पेलोड कैपेसिटी है। इसके बाद आता है उसी की सीरीज़ का डी हेवीलैंड कनाडा DHC-6 ट्विन ऑटर प्रोपेलर एयरक्राफ्ट है और इसकी पेलोड कैपेसिटी आपको कमेंट में पता चल जाएगी। इसके बाद है डुगलास DC-2 और दूसरा नाम है C-32 प्रोपेलर एयरक्राफ्ट है और इसका पेलोड मैं आपको बाद में बता दूंगा। डुगलास C-47 स्काई ट्रेन प्रोपेलर एयरक्राफ्ट है और इसकी भी पेलोड कैपेसिटी 3 टन्स है। इसके बाद आता है डुगलास C-54 स्काई ट्रेन प्रोपेलर एयरक्राफ्ट है और इसकी पेलोड कैपेसिटी आपको कमेंट में पता चल जाएगा। ये है डुगलास C-74 ग्लोब मास्टर 1 प्रोपेलर एयरक्राफ्ट और 22 टन की कैपेसिटी रखता है। डुगलास C-47 या फिर दूसरा नाम है C-117 स्काई ट्रेन प्रॉपर एयरक्राफ्ट है और इसकी पेलोड कैपेसिटी 3 टन्स है। डुगलास C-118 लिफ्ट मास्टर प्रॉपेलर एयरक्राफ्ट और इसकी पेलोड कैपेसिटी 12.7 टन्स है। डुगलास C-124 ग्लोब मास्टर 2 प्रॉपेलर एयरक्राफ्ट है और पेलोड कैपेसिटी 34 टन्स की है। और अब आखिर में डुगलास C-133 कार्गो मास्टर प्रोपेलर एयरक्राफ्ट है और इसकी पेलोड कैपेसिटी 53.5 टन्स है। बस आज इतना ही। आज का वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया तो भी डिसलाइक कर दीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, साथ साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये मेरी चैनल जो फ्लाइंग विथ PNG एविएशन पे, बाद में दूसरी चैनल वाटर वर्ल्ड PNG एक्वाटिक लाइफ पे और ऋतिक पटेल, इन दोनों के अलावा जो भी वीडियोस है ये तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उनके वीडियोस देखते रहिए। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर दीजिए। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा।